जैकलिन फर्नांडिस वाली स्टोरी तो हम सभी ने सुन ली कि सुकेश चंद्रशेखर, जिसने 200 करोड़ की ठगी की है, धोखाधड़ी की है, वो जैकलिन को किस तरह से 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की बिल्ली, कबूतर और पता नहीं क्या क्या चीजें दे रहा था। ऐसा लग रहा था प्यार मोहब्बत नहीं चल रही है, धोखाधड़ी नहीं चल रही है, चिड़ियाघर खोलने की तैयारी चल रही है, जहां पर प्यार के नाम पर जानवर और चिड़िया कबूतर गिफ्ट किए जा रहे हैं। अब देखिए, उसी मामले में नोरा फतेही का नाम भी सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा। ये जो सुकेश चंद्रशेखर, ये सिर्फ धोखाधड़ी करने वाला इंसान नहीं है, ये बॉलीवुड की न जाने कितनी ही एक्ट्रेस को इस तरह से घुमाने का काम किया होगा और एक्ट्रेस को गिफ्ट वगैरह देकर बड़े बड़े कांड करवाए होंगे, क्योंकि ईडी को पूरा शक है कि नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस, इनका बहुत बड़ा रोल है इस 200 करोड़ की धोखाधड़ी वाले मामले में। जब ईडी ने नोरा फतेही से पूछा कि ये 1 करोड़ की गाड़ी सुकेश चंद्रशेखर ने आपको क्यों गिफ्ट की, तो नोरा का ये कहना है कि मैं तो उसे ठीक तरह से जानती भी नहीं हूं, मुझे ये नहीं पता कि उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट क्यों की। अब बताइए, यहां कोई इंसान किसी को 10 रुपए दे दे तो भी उसे याद रहता है, लेने वाले को और देने वाले को भी, कि ये किस पर्पज से पैसे लिए और दिए गए। और यहां पर 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर रहा है सामने वाला शख्स, और ये मोहतरमा बोल रही है कि मुझे पता ही नहीं कि वो शख्स कौन है और मुझे गाड़ी क्यों गिफ्ट कर रहा है। अरे भाई, तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं हो कि जो तुम्हें कोई भी ऐसे चलते फिरते गिफ्ट कर देगा। उसने क्यों गिफ्ट किया है ये सभी को पता है। तो ईडी को पूरा यकीन है कि इन दोनों एक्ट्रेस का इस्तेमाल करके इस बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। आप आए दिन देखते होंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस का चेहरा लगाकर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपसे किसी पार्टिसिपेशन के नाम पर, किसी अवार्ड सेरेमनी के नाम पर 50,000 लाख रुपए लेती है और पैसे जमा होने के बाद भाग जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉल मुझे तो आते ही रहते थे। कभी करिश्मा कपूर के नाम पर आए हैं तो कभी सलमान खान के नाम पर, लेकिन वहां पर हीरो कोई नहीं होता है। बॉलीवुड वालों को तो पता भी नहीं चलता है कई बार कि उनके नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। अब बताइए, एक जैकलिन फर्नांडिस जो है वो आती है श्रीलंका से, और नोरा फतेही जो है वो कनाडा से आती है। तो सोचिए कि विदेश से आकर बॉलीवुड में ये लोग इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, 200 करोड़ का, और न जाने कितने फ्रॉड इनके नाम पर शामिल होंगे। जितनी जल्दी ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करे, बड़ा मजा आएगा देखने।